हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, तो यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ वो नए लोगों के लिए, बिगिनर्स के लिए, उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो ये बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो सभी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो पे बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी ऑप्शन क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट, स्टॉक मार्केट टाइमिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है और अदर चार्जेस क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको मैं एक ही वीडियो पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन ये क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये तीनों, ये एक इंडेक्स है। इंडेक्स बोले तो सेंसेक्स में बहुत सारी कंपनी होती है, टॉप 30 कंपनी होती है, निफ्टी में जैसे 50 कंपनी होती है और बैंक निफ्टी में 12। तो ये तीनों को ही हम इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप एंजल वन के ऐप में देखेंगे तो ये आपको कैसे दिखेगा, चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना, ये एंजल वन का ऐप है। ये एक बार मैं लॉग आउट कर लिया, मैंने फिर दोबारा लॉग इन पे क्लिक करता हूं मैं। तो जैसे देख सकते हैं, ये एंजल वन का ऐप मैंने लॉग इन किया हुआ है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे निफ्टी, निफ्टी को देखेंगे तो ये अभी दिखा रहा है 19,428। तो अभी जो निफ्टी आपका चल रहा है 19,428 चल रहा है, जबकि ये -114 का मतलब ये है कि जब ये मार्केट ओपन हुआ होगा तो ये दिन भर में इतना माइनस गया है ये निफ्टी। और यहाँ पे आप सेंसेक्स देख सकते हैं, सेंसेक्स यहाँ पे 65,322 दिखा रहा है, ये -365 है। मार्केट जब सुबह 9:15 में ओपन हुआ होगा, 9:15 से 3:30 के बीच में जब मार्केट चला होगा, तो उस दिन ये पूरे दिन भर में ये -365 माइनस में गया है ये। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी करते हैं, चलिए मैं सेंसेक्स को हटा देता हूँ, बैंक निफ्टी करता हूँ, ऐसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी 44,199.10 चल रहा है, ये भी -342 चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर पे बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा मैं। तो अभी जैसे नीचे चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप कोई भी स्टॉक देख रहे हैं, यहाँ पे 1680 ग्रीन में है, +7.30 है, मतलब कि जब ये मार्केट ओपन हुआ होगा तो ये चल रहा होगा 16,073 रुपीज चल रहा होगा। तो ये +7 में है, तभी ये 16,080 है, 1680 है। अभी और देख सकते हैं, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बस आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी का मतलब क्या है, बैंक निफ्टी कैसे हम इंडेक्स देखते हैं एंजल वन के ऐप में। और अगर ये ग्रीन पे रहता ना, तो ग्रीन पे रहता तो हम ये बोलते कि मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर ये बैंक निफ्टी ग्रीन पे रहता तो हम बोलते मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं सेंसेक्स कर लेता हूँ, अभी सेंसेक्स को यहाँ पे माइनस में, अगर ये ग्रीन में रहता तो हम बोलते मार्केट ये ऊपर जा रहा है। ये एंजल के ऐप में आपको कैसे देखना, ये आपको मैं बता रहा हूँ मैं बेसिक चीजें। इंडेक्स के बाद आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में दो तरीके के एक्सचेंज होते हैं, एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दो तरीके के एक्सचेंज होता है, NSE और BSE। तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जैसे कि हम देखेंगे, एक सेकेंड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1,000 से भी ज़्यादा कंपनी जाती हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी 1,000 से भी ज़्यादा कंपनी जाती है। जैसे कि आपको मैं गूगल पे दिखा देता हूँ, NSE कंपनी लिस्टेड, यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड इन NSE। तो देख सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नेशनल एक्सचेंज अराउंड 2113 कंपनीज हैज बीन लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। मतलब कि 2000 से ज़्यादा कंपनीज आपका NSE में लिस्टेड है। उसी प्रकार BSE करेंगे तो BSE में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। अब देख सकते हैं हाउ मनी कंपनीज आर लिस्टेड, ओवर 5000 कंपनीज आर लिस्टेड।
मतलब कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2000 से ज्यादा कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और बीएससी में 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। लेकिन अब ये इंडेक्स में कैसे हम देखते हैं, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी का एवरेज आता है। जैसे मैंने आपको बताया बीएससी में तो 5000 कंपनी हो गया, लेकिन ये 5000 कंपनी में से टॉप परफॉर्मिंग कंपनी जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से 5000 में से सिर्फ ये 30 कंपनीज का एवरेज है सेंसेक्स, 30 कंपनीज का एवरेज है सेंसेक्स। जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया था, यहां पे देख सकते हैं यही 30 कंपनीज का एवरेज बन के ये सेंसेक्स बनता है। उसी प्रकार से अब मैं आपको निफ्टी बता देता हूं। अब निफ्टी में देखेंगे तो टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है ये। अब यहां पे देखेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, लैंडको, ओएनजीसी, ये जो कंपनी है ये एनएससी में भी लिस्टेड है, कोई कोई कंपनी बीएससी में भी लिस्टेड है। तो उसी का 50 कंपनी का एवरेज करके वो होता है आपका निफ्टी में आता है। तो यहाँ पे जो आपको इंडेक्स दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको इंडेक्स दिख रहा है 19,428 निफ्टी, ये 50 कंपनी का एवरेज है। सेंसेक्स 30 कंपनी का एवरेज है, निफ्टी 50 कंपनी का एवरेज है। और बैंक निफ्टी में 12 बैंक्स आते हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूं बैंक निफ्टी लिस्ट। विच कंपनी आर इन निफ्टी बैंक, देखते हैं यहां पे लिस्ट आ गया, हाउ मेनी बैंक्स आर लिस्टेड। द बैंक निफ्टी इंडेक्स कंटेन 12 बैंक, यहां पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 बैंक आते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर पे। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो निफ्टी, सेंसेक्स, और यहाँ पे मैं इसमें बैंक निफ्टी कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ 12 कंपनी बैंक का एवरेज है। देखिए बैंक तो बहुत सारे आते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 बैंक का एवरेज। अब कौन कौन से बैंक है, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, लिस्ट यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं इतने सारे लिस्ट आ रहे हैं, HDFC, ICICI, कोटक, स्टेट बैंक, एक्सिस, इंडस, बंधन बैंक, AU बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, IDFC, PNB, और भी बैंक है, लेकिन वो और बैंक है लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 बैंक का ही एवरेज लेंगे, बाकी जो बैंक है उनका नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो टॉप परफॉर्मिंग रहेगा उसी का एवरेज होता है इंडेक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम कैसे इंडेक्स में देखते हैं। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, आप किस कौन कौन से मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे कि इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, कमोडिटी मार्केट में MCX होता है, और एग्रीकल्चर मार्केट को हम NCDX भी बोलते हैं, और करेंसी मार्केट, ये 5 तरीके के मार्केट होते हैं। अब ये पांचों मार्केट में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपको बता देता हूँ, इक्विटी और कैश मार्केट में हम शेयर्स हो गए स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि फ्यूचर में हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, और ऑप्शन में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इसमें ट्रेडिंग करते हैं। कॉमोडिटी मार्केट को हम MCX भी बोलते हैं, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, इसमें अगर आप देखेंगे हम बुलियंस, गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करते हैं, बेस मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, लीड, निकल, जिंक, एनर्जी में हम क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में करते हैं, और एग्रीकल्चर मार्केट, इसको हम NCDX भी बोलते हैं, नेशनल कॉमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, जैसे कि हम इसमें ब्लैक पेपर, कार्डमम, कास्टर सीड, कॉटन, पाल्म ऑयल, क्रूड, मेंथा ऑयल, पाल्मर, रबड़, इन सभी में हम ट्रेडिंग करते हैं, और करेंसी मार्केट में हम US डॉलर, येन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, इन सभी में हम ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन आप बिगनर हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टार्टिंग करिएगा इक्विटी, कैश मार्केट, शेयर और स्टॉक से। और बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये कॉमोडिटी, एग्री और करेंसी, इनके बारे में आप अभी ज़्यादा स्टार्टिंग में मत जानने की कोशिश करिए। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इक्विटी, कैश, इक्विटी मार्केट को हम कैश मार्केट भी बोलते हैं, तो आप इक्विटी मार्केट में, शेयर, स्टॉक में और ऑप्शन में, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन का आप नॉलेज लीजिए। तो अभी आने वाले वीडियोज में मैं इन सभी के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। अब इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट का टाइमिंग। स्टॉक मार्केट का जो टाइमिंग होता है प्री ओपन मार्केट, 9 से 9:15 के बीच में आपका मार्केट ओपन होता है,
तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट आपका गैप अप, मतलब कि मार्केट ऊपर ओपन हुआ है प्लस में, कि मार्केट नीचे ओपन हुआ है, कि मार्केट बीच में ओपन हुआ है। तो ये आपको 9 से 9:15 के बीच में आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें मैं चार्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियोज में आपको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा कि आपको प्री ओपन मार्केट आपको कैसे देखना है। तो ये सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मार्केट ओपन होता है 9:15 में, तो ये बोल के वो 9 बजे से 9:15 के बीच का टाइमिंग को कभी ध्यान नहीं देते। वो 9:15 से ट्रेडिंग करने के लिए डायरेक्ट ग्राफ चार्ट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको 9 से 9:15 के बीच में आपको अपना लैपटॉप ओपन करना है या मोबाइल, जो भी जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप चार्ट में ओपन करिए। 9:07 में 8 मिनट में आपको वहां पे दिखा देगा कि मार्केट आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ ओपन हुआ है, ऊपर ओपन हुआ है कि नीचे ओपन हुआ है कि बीच में ओपन हुआ है। इसके बाद में आता है आपका इक्विटी और कैश मार्केट। ये आपका 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है मार्केट, सुबह के 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक। डेरिवेटिव मार्केट, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होता है। जैसे ऑप्शन में मैंने आपको बताया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन में, ये 9:15 से 3:30 के बीच में ट्रेडिंग होता है। कमोडिटी मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक। एग्रीकल्चर का टाइमिंग होता है सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। करेंसी मार्केट का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो ये 5 तरीके के मार्केट में आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंडियन मार्केट में। ये था आपका स्टॉक मार्केट का टाइमिंग। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ मैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं। जैसे कि एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है आपका डिलीवरी ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप आज खरीद के आज आपको आज ही बेचना है। मतलब कि जैसा आपको मैंने यही बताया कि यहाँ पे मार्केट सुबह 9:15 में खुल रहा है, 3:30 में ये हो रहा है, ठीक है, 9:15 में खुल रहा है, 3:30 में हो रहा है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको सेम डे बाय और सेल करना है, सेम डे पे आपको खरीद के बेचना है। अगर आप नहीं बेचोगे तो आप प्रॉफिट में रहो चाहे लॉस में रहो, आपका 3:30 बजे एक्सचेंज आपका ऑटोमेटिक बेच देगा, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रॉफिट में रहो चाहे लॉस में रहो, आपको इंट्राडे में आपने अगर ऑर्डर लगाया है तो वो आपका एक्सचेंज ऑटोमेटिक बेच देगा। डिलीवरी में अगर जाएंगे आप, डिलीवरी अगर आप ऑर्डर लगाते हो तो ये शेयर्स को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 1 मंथ 3 मंथ 1 ईयर लॉन्ग टर्म के लिए, आप जब तक आपको रखना है 5 साल 10 साल के लिए आप डिलीवरी में ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप उसको आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो डिलीवरी और इंट्राडे दोनों का चार्जेस अलग अलग होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो तो सेम डे आपको सेम बाय करके सेल करना, नहीं तो एक्सचेंज आपका बेच देगा 3:30 से पहले। डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर मैंने इंट्राडे में शेयर्स को खरीदा है तो मेरे को लॉस हो रहा है तो क्या मैं उसे कन्वर्ट कर सकता हूँ डिलीवरी में? जी हाँ, आप इंट्राडे में अगर आपने उसे बाय किया है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसे आप डिलीवरी में अगले दिन के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट डे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जैसा भी आपको कन्वर्ट करके डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो आपको वो ऑप्शन आता है। अगर आपको मैं एंजल के ऐप में बोलेंगे तो जैसे आपको मैं बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि सेकेंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एंजल के ऐप में भी कोई सा भी स्टॉक को सर्च करके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी एंजल वन का ऐप ओपन किया मैंने। यहाँ पे जैसे मैं कोई स्टॉक सर्च करता हूँ, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कोई स्टॉक में सर्च करता हूँ, जैसे मान के चल लीजिए एनटीपीसी मैंने सर्च किया। अब एनटीपीसी में यहाँ पे एनएससी बीएससी दोनों दिखा रहा है। आप चाहे तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ एनएससी में करना था एनएससी में ट्रेड करिएगा। अब जैसे मैंने एनएससी पे क्लिक किया, एनएससी पे क्लिक करने के बाद पे ये ओपन हाई लो क्लोज दिखा रहा है। सुबह के 9:15 में ये इतने में ओपन हुआ था, हाई गया था, लो गया था। ये आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा मैं एंजल का ऐप पूरा यूज़ करके कैसे यूज भी करना है, तो आपको सिर्फ अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। अब जैसे आप बाय बटन पे आप क्लिक करते हो, इसे 213 चल रहा है करेंट प्राइस, 4 पॉइंट ये माइनस में डाउन चल रहा है। जैसे बाय बटन पे आप क्लिक किया, आपने बाय बटन पे क्लिक करने के बाद पे यहाँ पे देख सकते हो आप डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर आ रहा है। अब जैसे आप इंट्राडे पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बाय बटन पे जैसे क्लिक करना, बाय करोगे तो आपको ये बाय हो जाएगा, और डिलीवरी पे आप करोगे तो आपको या डिलीवरी पे आपका बाय होगा। डिलीवरी पे आप आजकल परसों आपके ऊपर है, आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो आपको सेम डे बाय करके सेल करना है। ये आपको मैं डेमो दिखा रहा था कि आपको इंट्राडे और डिलीवरी में कैसे आपको ऑर्डर मतलब कैसे दिखता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप ऑफ ट्रेडिंग। अब इसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको
बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ ऑर्डर, इंटरडे ऑर्डर आता है, डिलीवरी ऑर्डर आता है, कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर आता है, स्टॉप लॉस ऑर्डर आता है, लिमिट ऑर्डर आता है, मार्केट ऑर्डर आता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर आता है, मार्जिन ऑर्डर आता है और रोबो ऑर्डर आता है। तो इतने तरीके का ऑर्डर्स लगते हैं आपका, आपको कौन सा ऑर्डर लगाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वीडियो में तो मैं आपको एंजल का ऐप कैसे यूज़ करना नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि इतने तरीके के ऑर्डर्स लगते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक आपको दिखा देता हूँ एंजल का ऐप में। तो अब जैसे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे डिलीवरी ऑर्डर ऊपर में देख सकते हैं डिलीवरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्राडे। अब यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैसे लगाना है, रोबो ऑर्डर कैसे लगाना है, कवर ऑर्डर कैसे लगाना है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। ये सभी को मैं आपको आने वाले वीडियोज पे जो मैं आपको बताऊंगा एंजल का ऐप कैसे यूज करेंगे, वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि एंजल का ऐप को कैसे यूज करना है, यहाँ पे कितने तरीके के ऑर्डर लगते हैं, कैसे कैसे आपको ये ऑर्डर को यूज करना है, कैसे आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। अब इसके बाद में आता है ब्रोकरेज चार्जेस। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रोकरेज का चार्जेस क्या है, ब्रोकर का चार्जेस क्या है, अगर मैं डीमैट अकाउंट ओपन करता हूँ तो मेरा क्या क्या चार्जेस लगेगा, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अगर आप एंजल वन पे डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये फ्री है बिल्कुल। अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फर्स्ट ईयर फ्री, फ्रॉम सेकेंड ईयर 240 रुपीज पर, मतलब फर्स्ट ईयर ये बिल्कुल फ्री है। एंजल वन के चार्जेस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एंजल वन एएमसी चार्जेस, एएमसी चार्जेस देख सकते हैं। एंजल वन ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0, एंजल वन चार्जेस ₹240 पर ईयर डीमैट अकाउंट एएमसी। तो ये जहां पे आपका जो चार्जेस लग रहा है ना, ये फर्स्ट ईयर फ्री है। अगर कोई जैसे आपको बोलता है कि यार अकाउंट मेंटेनेंस का क्या चार्जेस लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकेंड ईयर से आपको ₹240 पर ईयर लगेगा। बाय एंड सेल चार्जेस फॉर इंट्राडे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इंट्राडे में जैसे आप ऑर्डर लेते हो तो आपको ₹20 पर ऑर्डर लगेगा। आपका क्वांटिटी कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका पर ऑर्डर का यहाँ पे ₹20 लगने वाला है चार्जेस। और डिलीवरी में आपका चार्जेस क्या है, डिलीवरी में आपको ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल फ्री है, तो यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। बाय और सेल का यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगता। आपको मैं एक बार मैं थोड़ा सा एंजल का ऐप में भी दिखा देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इंटरडे में जैसे एनटीपीसी चल रहा है आपका 213 चल रहा है, यहाँ पे जैसे मैं एक शेयर का लेता हूँ या जैसे डिलीवरी में कर रहा हूँ, जैसे मान के चलिए डिलीवरी में एक शेयर का दाम कितना चल रहा है 213। मार्जिन रिक्वायर्ड मतलब यहाँ पे मेरे को ₹213 लगेगा। जैसे आप बाय का ऑर्डर क्लिक करोगे तो आपको डिलीवरी में तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इंटरडे करते हो ना, इंटरडे में आप जैसे कि 10 शेयर लेते हो, 10 क्वांटिटी लेते हो या 20 क्वांटिटी लेते हो या 50 लेते हो, उससे मतलब नहीं। आप जितना ऑर्डर लगाए हुए वहाँ पे बाय बटन पे आप क्लिक करोगे, एक ऑर्डर का आपका सिर्फ और सिर्फ ₹20 लगेगा बाय साइड का। जब आप बेचोगे तब आपका ₹20 लगेगा सेल साइड का। तो बाय 20 सेल 20 सिर्फ इतना लगता है आपका चार्जेस, ठीक है। तो ये था आपका इंटरडे का चार्जेस। डिलीवरी तो फ्री है आपका, बाय सेल ऑर्डर का, क्वांटिटी आप कितना भी ले सकते हो, क्वांटिटी में आप कितना भी लो उससे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑर्डर का ही चार्जेस लगता है, आपका बाय सेल ऑर्डर का ₹20 बाइंग ₹20 सेलिंग। अब यहाँ पे मैंने आपको डिलीवरी तो फ्री बता दिया, अब अदर चार्जेस क्या क्या चार्जेस हैं जो आपको लगता है अदर चार्जेस। जैसे हम ये एंजल वन के वेबसाइट पर जाएंगे तो ये एंजल वन के वेबसाइट पर ब्रोकरेज 0 है, 20 है, फ्लैट यहाँ पे देख सकते हो आप। अब ब्रोकरेज स्टॉक इन्वेस्टमेंट इंटरडे ट्रेडिंग का फ्यूचर का इतना चार्जेस लगता है, ऑप्शन का इतना ₹20 पर ऑर्डर, फ्यूचर का ₹20 पर ऑर्डर, इंटरडे ₹20 पर ऑर्डर, ये हमारा ब्रोकरेज चार्ज लग गया। अब इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है, ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, देख सकते हैं इंटरडे ट्रेडिंग में, फ्यूचर में, ऑप्शन में कितना कितना ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, डीपी चार्जेस, डीपी डीमैट अकाउंट का जो डीपी चार्जेस है ₹20 कंपनी सेल 000, डिलीवरी का चार्जेस है ये, एसटीटी चार्जेस कितना लगता है देख सकते हैं, एसजीएसटी कितना लगता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, सीबी का चार्जेस क्या है, क्लियरिंग चार्जेस क्या है, ये सभी चार्जेस आपका लगता है। अगर आप जरोदा पे जाएंगे ना, जरोदा देख सकते हैं, जरोदा पे जाएंगे तो जरोदा का भी आपको दिखाता हूँ, जरोदा में भी ये सभी चार्जेस लगता है। देखिए ब्रोकरेज, एसटीटी चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज, जीएसटी, सीबी, स्टैम्प चार्जेस, ये सभी चार्जेस आपका जरोदा में भी लगता है। अगर आप अपस्टॉक में जाएंगे, यहाँ पे मैं अपस्टॉक का भी दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, अपस्टॉक ब्रोकरेज चार्जेस
ब्रोकरेज चार्जेस अगर देंगे, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब स्टॉक में डिलीवरी में भी यहाँ पे ये लोग 20 रुपीज पर ऑर्डर का चार्ज कर रहे हैं, लेकिन एंजल और जरोदा चार्ज नहीं कर रहा। तो ये जो ब्रोकरेज चार्ज है ना, ये सभी जगह लगता है, देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना हमारा ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा कट रहा है, 20 रुपीज बाइंग 20 रुपीज सेलिंग के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहा है। जो ये जो चार्जेस है ना, ये सभी चार्जेस सभी जगह लगता है, आपका एंजल पे भी लगेगा, अपस्टॉक पे भी लगेगा, जरोदा पे भी लगेगा, कहीं पे भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करें ये सभी चार्जेस लगता है। बस यही है कि आपका जरोदा में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का भी चार्जेस है, लेकिन एंजल में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्जेस नहीं है। आप उनका एएमसी चार्जेस आप चेक कर सकते हो, जरोदा का और अपस्टॉक का भी। और एक चीज़ और, एंजल का ऐप जब आप यूज़ करेंगे ना, तो एंजल के ऐप में आपको कितना ब्रोकरेज चार्जेस लग रहा है वो सभी आपको वहाँ पे दिखाता है। तो यहाँ पे आपका ना समझ लीजिए पर ऑर्डर बाय और सेल करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ के आसपास लगेगा, समझ लीजिए 40 से 40 रुपीज़ को आप तो लग ही गया, 20 रुपीज़ बाइंग 20 रुपीज़ सेलिंग, और जो लगेगा 5 से 10 रुपये ये सभी चार्जेस को जोड़ने के बाद पे आपका मान के चल लीजिए 10 रुपीज़ और पकड़ के चल लीजिए, ज़्यादा नहीं लगेगा, 50 रुपीज़ तक आपका लगेगा आपका पर ऑर्डर, समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको पर ऑर्डर मतलब कंप्लीट बाय सेल सबको मिला के 20 20 प्लस 10 मतलब 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका। देखिए एंजल के ऐप में वहाँ पे आपका ब्रोकरेज कितना लग रहा है वहाँ पे आपको पूरा दिखाएगा, कितना कट हो रहा है सब दिखाएगा। लेकिन आप यही चीज़ आपका पर ऑर्डर का आपका चेक करोगे ना जरोदा पे अपस्टॉक में ऑर्डर लगाने के बाद में बाय सेल करने, वो वहाँ पे नहीं दिखाएगा, लेकिन एंजल पे दिखाता है। जिसकी वजह से लोग ये बोलते हैं कि एंजल का ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजल का सिर्फ चार्जेस 20 रुपीज़ बाइंग 20 रुपीज़ सेलिंग इतना ही है, बाकी ये सभी जो चार्जेस है ये एक्सचेंज का चार्जेस है, सीबी का चार्जेस है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का चार्जेस है। तो ये सभी चार्जेस सभी जगह लगते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है कि डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आपको करना है, कैसे करना है। तो बेसिक चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा मैं एंजल का ऐप कैसे यूज़ करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।